मधुबनी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मधुबनी में खुला इस क्षेत्र का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मधुबनी शहर में प्रवेश करने से पहले ही आपकी नजरें भी इस ओर मुड़ जाती हैं। इसके चेयरमैन साथी विधायक एवं याचिका समिति के सभापति डॉक्टर फैयाज अहमद ने हमसे बातचीत करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। मिथिला क्षेत्र ऐसे तकनीकी या मेडिकल एजुकेशन से संबंधित संस्था की, इसको देखते हुए हमने यहाँ मधुबनी मेडिकल कॉलेज बनाया और हमने नाम भी मधुबनी के नाम पर नाम रखा इसमें, ताकि ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ मेरा ही इसमें कंट्रीब्यूशन है, ऐसा लगे कि पूरे मधुबनी वासी का, पूरा मिथिला क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन हो। जैसे मधुबनी पेंटर, हमारे पूरे मधुबनी का इससे नाम रोशन होता है, तो हमने सोचा कि ऐसा नाम रहे कि मधुबनी का और मधुबनी का नाम उसमें। हमारे मेडिकल कॉलेज में 14-15 स्टेट के बच्चे एडमिशन लिए हैं, चूँकि एडमिशन तो बीसीसी बोर्ड करती है, सरकार के लेवल पर होता है, लेकिन 14 स्टेट के बच्चों ने एडमिशन लिया। 14 स्टेट में कम से कम ये बात तो गया कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ते हैं, और बच्चे जो बात करते रहते हैं अपने कोई अपने मित्र से चाहे किसी से, तो ये नहीं कहते हैं कि हम मधुबनी में एडमिशन लिया। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चलिए मधुबनी में कहते हैं हमने एडमिशन लिया है। ये हमारा सपना था कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन खोलने, हमसे तो पैसे में बहुत सारा, हमको कोई पैसा नहीं, तो बैंक से लिया सामने में दिया है। और अभी कोर्सेज क्या क्या है, कितनी सीटें मिली हैं? कोर्सेज MBBS का 150 मिला है, उसके बाद पारा मेडिकल का भी डिफरेंट मिला करके 400 सीट मिला है पारा मेडिकल, और हमको लगता है कि बहुत जल्दी नर्सिंग का भी कोर्स मिलेगा, क्योंकि नर्सिंग बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल चलाने के लिए, क्योंकि अच्छे नर्सेज का बहुत अभाव है। तो हम जब नर्सेज में एडमिशन लेंगे, अच्छा उसको सिखाएंगे, तो एक एसेट होगा और वो हमारे डिफरेंट कोर्सेज को अच्छा से चलाएगी। जैसे पारा मेडिकल में तो आपको DMLT कोर्स है, पैथ कोर्स है, रेडियोलॉजी का कोर्स है, ये सबको अच्छे से हैंडलिंग करेंगे। इसलिए हम सोचा कि अपना प्रोडक्ट बनाएं और ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कहीं भी जाए तो अच्छा वो काम करे, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पारा मेडिकल करके बच्चे लोग आए रहते हैं, लेकिन उनको कुछ ज्ञान नहीं होता है। हम सब सोचते हैं कि ऐसा उनको ज्ञान दिया जाए ताकि समाज को अच्छा सर्व करे, एक एसेट हो, हमारे यहाँ भी उसको जॉब मिले। और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी हो गई है? इंफ्रास्ट्रक्चर हम MCI फेज मैनर में कहता है, तो हमने फर्स्ट ईयर का तो पूरा ही कर लिया, सेकेंड ईयर का भी कर लिया, कुछ में हम फाइनल ईयर का भी कर लिया है, लेकिन ग्रेजुअली हम धीरे धीरे जैसे MCI का नॉर्म्स के मुताबिक जितना रिक्वायरमेंट्स है, और हम हमेशा नॉर्म्स थोड़ा ऊपर जी, ताकि कोई भी इंस्पेक्टिंग टीम ही नहीं कहे कि आपका नॉर्म्स में कमी है। वैसे फैकल्टी में जितना डॉक्टर रिक्वायर्ड है, जितने फैकल्टी डॉक्टर रिक्वायर्ड हैं, हम उससे थोड़ा ज़्यादा फैकल्टी भी रखते हैं, ताकि टाइम टाइम पर फैकल्टी की कमी नहीं। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं? हॉस्पिटल में हमारे यहाँ सभी तरीके की जाँच है, सभी विभाग के अच्छे अच्छे डॉक्टर का हमने एडमिशन लिया है, IPD भी पूरा है, ICU CCU जितना होता है सब है, और मुझे कि सरकारी रेट जो सरकारी संस्थान में हॉस्पिटल में है उससे थोड़ा सा हमें ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तो सरकारी राजकीय कोष से मेंटेन होता है, हमारे यहाँ तो हमको अपनी इसी कोष से मेंटेन करता है, तो उतना ही लेते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के तरीके पर, लेकिन उसके बावजूद हमको इधर से हॉस्पिटल को देना पड़ता है, डॉक्टर की सैलरी हो चाहे ना डॉक्टर की सैलरी हो, उसमें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और राजनीति और अपने बिजनेस दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? दोनों में देखिए, अगर हम अच्छा इंस्टीट्यूशन चलाएंगे और अच्छा हम करेंगे, होता है कि बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन पर गलत इल्जाम, उससे भी हम बने रहेंगे। हम विधायक तो
इभी तो सोशल सर्विस का बहुत बड़ा आयाम है। हम यहाँ बैठते हैं, जब भी हमारे क्षेत्र के आते चाहे जो आते हैं, यहाँ हम सरकारी रेट से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, फिर हमारे पास तक जो भी आ जाते हैं हमको फ्री कीजिए, तो संभव तो हमको फ्री करते हैं जहाँ तक हो सकता है। तो मुझे कि पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा आयाम है, इससे तो सामाजिक सेवा तो बहुत कुछ होती है इससे। और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य हम चाहते हैं इस मेडिकल कॉलेज को एक अच्छा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का एक अच्छा संस्थान इसको बनावे। इस एरिया में तो ऐसा संस्थान नहीं है, तो हमारा ये संस्थान एक अच्छा संस्थान बने और ये संस्थान ऐसा हो। देखिए, आदमी तो आया है एक फिक्स्ड पीरियड, वैसे तो सांस गई अंदर वापस आएगी कि इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी एक फिक्स्ड लिमिट तभी तक रहना है, उसके बाद तो जाना ही है। तो जब तक की दुनिया रहे कहे कि फलाना आदमी था ये स्टेशन बना गया। अभी हमारे यहाँ शहर में एक आरके कॉलेज नाम कृष्ण बाबू, बहुत पहले 340 साल पहले इस दुनिया से चले, उनके बेटा पुत्र भी कोई नहीं जानता, लेकिन नाम कृष्ण बाबू आज तक ही एक अच्छा इंस्टीट्यूशन खोल के, तो हो सकता है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन ये भी होगा। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हमारे हॉस्पिटल में आए, परेशान हाल अच्छा हो जाए, कहीं उसके सिले में उसके सदके में हमको ऊपर वाला बख्श दें, तो ये तो बहुत बड़ा सोशल सर्विस है। इससे हमने खोला क्योंकि सभी संस्थान सबसे नहीं होता है, ऊपर वाला किसी किसी से काम लेता है, तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार है। ये संस्थान ऊपर वाले ने हमको ये मौका दिया, हमको चुना बनाने के लिए, इससे सबसे बड़ा मालिक का शुक्रिया।